ये एवरी वन, वेलकम बैक टू आर किस पी विला। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की हमारी स्पेशल रेसिपी है खाजा। तो आज हम बनाएंगे खाजा, और दिवाली तो वैसे भी पास आ रही है, तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ मीठा तो बनाना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कटोरी मैदा, और इसमें मैंने डाला है 4 से 5 टेबल स्पून हम लेंगे ऑयल, या फिर आप घी भी ले सकते हैं। देसी घी में बनाना चाहते हैं तो आप देसी घी भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो मैंने ऑयल को और मैदे को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 पिंच नमक, क्योंकि जब हम कोई मीठी चीज़ बनाते हैं ना तो उसमें नमक ज़रूर डालना चाहिए, इससे हमारे टेस्ट में इन्हेंसमेंट होती है। तो ये देखिए हमारा परफेक्ट एकदम, जो हमने ऑयल डाला था ना परफेक्ट डाला है, इसकी निशानी ये होती है, इसकी मुट्ठी अच्छे से बन जाती है। तो यहाँ पर हम डो को गूँथ लेंगे। पानी मैंने यहाँ पर नॉर्मल लिया है, गर्म पानी नहीं लिया है। और यहाँ पर हम डो ऐसा लगाएंगे जिस तरीके से हम रोटी के लिए आटा गूँथते हैं ना, उससे थोड़ा सा टाइट गूँथेंगे, इसको सॉफ्ट नहीं गूँथना है, थोड़ा टाइट गूँथना है। इसको हम 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, और तब तक के लिए हम बना लेते हैं हमारी चाशनी। चाशनी के लिए मैंने 1/2 कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी ली है, और यहाँ पर मैंने 1/2 कटोरी पानी लिया है, ताकि जो हमारी चीनी है ना डूब जाए, वहीं तक मैंने पानी लिया है। और इसको हम घुलने तक घुलने देंगे। और यहाँ पर हमें जो चाशनी बनानी है, एक तार की बनानी है। तो आप देख सकते हैं एक तार की चाशनी बन चुकी है, और मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। भाप मैंने वो डालना भूल गई थी, इलायची डालना भूल गई थी, तो मैंने बाद में डाल दी थी, आप भी इलायची जरूर डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा आटा अच्छे से सेट हो चुका है, 20 मिनट बाद हमने निकाल कर देख लिया। तो इसको हम अच्छे से रोल बना लेंगे इसका बड़ा सा, ताकि हम जो इसकी लोई काटेंगे ना इजीली कट जाए। तो इसमें कम से कम 10 से 12 लोई कट सकती हैं, छोटी छोटी लोई काटेंगे, जिस तरीके की हम पूड़ी बनाते हैं ना उससे थोड़ी सी बड़ी, पूड़ी से बड़ी लोई बनानी है हमको। यहाँ पर मेरी टोटल 10 लोई बन चुकी हैं। तो हम सभी की रोटी जितनी बड़ी हम रोटी बनाते हैं ना उतनी बड़ी हम इसकी उसको बेल लेंगे। इसको मोटा नहीं बेलना है, इसको पतला ही बेलना है, जितना पतला हो सके उतना पतला बेल सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैंने आपको मैं साइज़ दिखा रही हूँ, मैंने इतना बड़ा बेला है, और ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा थिन है, ज़्यादा थिक नहीं है, थिन है ये। तो इसी तरीके से मैं सभी को बेल लूँगी, हम मेरी सारी पूरी बेल लूँगी मैं। तो इसका हम एक घोल तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है, और 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। घोल इसलिए ताकि जब हम इसमें रोटी में लगाएंगे ना, जब खाजा बनाएंगे उसकी जब लेयर्स निकलेंगी, इसी वजह से। तो सबसे पहले हम 5 रोटी लेंगे, जो हमने 5 रोटियां बेली हैं ना उन पे लगाएंगे हम ऑयल। पहले मैंने थोड़ा सा मैदा छिड़क लिया है, और उसके बाद मैंने इसमें पेस्ट लगा दिया है मैदे का और ऑयल का। उसके बाद मैंने ये रोटी रख दी। उसके बाद फिर से सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे सभी, जब तक ये 5 नहीं हो जाती। और जो बाकी की 5 है वो हम नेक्स्ट उसमें बनाएंगे। इसी तरीके से हम लगा लगा कर इसको रखते जाएंगे। तो ये जो हमने लास्ट रोटी रखी थी उसको भी हमने अब कर लिया है। अब इसको हम रोल करेंगे। रोल हम इस तरीके से करेंगे, बिल्कुल टाइट रोल करना है, ढीला रोल नहीं करना है, बिल्कुल दबा दबा के इसको रोल करना है। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से इसको रोल कर रही हूँ। और जब हम रोटी रखेंगे ना, मतलब एक के ऊपर एक रखेंगे, तो उसमें हवा नहीं भरनी चाहिए, नहीं तो हमारे जो खाजे की जो लेयर्स है ना वो अच्छे से नहीं निकलेंगी। तो इसी तरीके से हम इसको दबा दबा कर इसको रोल कर लेंगे। और साइडों में आप चाहें तो पानी भी लगा सकते हैं, ताकि ये हटे ना, मैंने यहाँ पर नहीं लगाया है। तो इसको हम अच्छे से एक बार इस तरीके से रोल कर लेंगे।
ताकि चिपक जाए। और इसको हम एक जो चाकू होता है ना जिसके दांत होते हैं उस तरीके का हमें चाकू लेना ताकि इजीली कट जाए। तो साइड से हम पहले सबसे पहले कट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें आधा इंच का स्पेस लेकर इसको काटेंगे। आधा आधा इंच का हमें मतलब गैप रखना है ताकि ना ज़्यादा मोटा हो और ना ही ज़्यादा पतला हो। जिस तरीके से मैं इसको प्रेस कर रही हूँ उसी तरीके से आप भी इसको प्रेस करिएगा ताकि आपकी जो जब आप खाजा बनाएंगे ना तो इसकी लेयर अच्छे से खुल सके। तो मैं बिल्कुल इसको बिल्कुल दबाना नहीं है, आप हल्के हाथ से इसको प्रेस करिएगा, नहीं तो इसकी जो अगर आप टाइटली दबा देंगे इसको तो आप इसकी लेयर नहीं निकल पाएंगी। तो यहाँ पर मैंने ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका था। ऑयल को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है, हाई फ्लेम या फिर मीडियम फ्लेम पर नहीं रखना है, वरना जो हमारा खाजा है ना अंदर तक नहीं सिकेगा और वह कच्चा कच्चा रहेगा। तो इसी वजह से हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर सेकेंगे। इसको टोटल हमें इसको सेकने में कम से कम 10 से 12 मिनट लग जाएंगे लो फ्लेम पर सेकने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो लेयर है वो निकल रही है धीरे धीरे। तो इसी तरीके से हमें करछी चलाते रहना है, अगर हम करछी को नहीं चलाएंगे तो ये नीचे से ब्राउन हो जाएगी एक तरफ से और एक तरफ से लाइट रहेगी। तो ऐसा नहीं करना है हमें, इसको हमें चलाते रहना है, पलटे को हमें चलाते रहना है। तो जब हमारा अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा ना तब इसको हम चाशनी में डुबो देंगे। चाशनी हमें गर्म रखनी है, ठंडी नहीं रखनी। अगर आपकी चाशनी ठंडी भी हो जाती है तो आप उसको 1 मिनट के लिए गर्म कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कलर हमारा गोल्डन हो चुका है। तो इसको मैं चाशनी में डाल दूँगी। चाशनी को मैंने गर्म कर लिया था क्योंकि वो ठंडी हो चुकी थी। तो इसको हम कम से कम एक 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 मिनट के लिए इसमें रखेंगे चाशनी में। चाशनी इसके ऊपर डालते रहेंगे खाजा के ऊपर ताकि ये अच्छे से भीग जाए चाशनी के अंदर। इसमें कोई इशू नहीं है, अगर आपकी चाशनी क्रिस्टल बन जाते हैं, अगर निकालने के बाद खाजा निकालने के बाद तो क्रिस्टल बन जाते हैं, ये आम बात होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं हमारे सारे खाजे बन के तैयार हो चुके हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे से सेलिब्रेट करिएगा आप त्यौहार। बस।